तो भाई काम हमारा जो है जारी है अभी। यहाँ पर मैं पूरा जाल लगाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर चिकन जो है नीचे आ जाते हैं, और इस साइड पर भी पूरा कवर करने वाला हूँ क्योंकि नीचे सारे चिकन जो है मेरे गिर जाते हैं और कुछ गुम भी गए। स्पेशली इनके लिए मैं जाल लगाने वाला हूँ क्योंकि रैबिट्स और डक्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो यार सुबह सुबह जो है चिकन्स को अभी खोल लेते हैं। सुबह सुबह इतना शोर मचाया होता है, ये देखें। सो इनको अभी मैं खाना डाल लेता हूँ यहाँ पर। ये ले भाई। यार आज तो हमारे रैबिट्स जो है ना खुद आ गए केज के अंदर। ये देखें, इनको इससे पहले मैं लाता था, ये लो। तो ये देखें अभी रैबिट्स जो है खाने लग गए। अब बारी है चिकन्स की। ये सारे जो है ना अभी खुद आ जाएंगे खाने। ये देखें, वो मैंने रोटी डाली हुई है लेकिन रोटी नहीं खा रहे और यहाँ पर आके पालक खा रहे हैं। तो चिकन्स को जो है पालक मैंने एक साइड पर चॉप करके डाल लिया, तो अभी खुद ही खाएंगे। तो छत को जो है मैं पूरा मास्टर केज बनाने वाला हूँ। ये देखें, मैंने साइडों पर यहाँ पर भी कल काम कर दिया था, इधर भी लगा दिया है। अब इस पे जो है पूरा कवर लगाऊंगा जाल की। इस साइड पे भी लगा दिया है, इस साइड पे भी मैंने लगा दिया। एक यहाँ लगाए, एक उधर कोने में लगाए, और एक मैंने ये लगाया। तो अब सिर्फ जो है इन पर जाल लगाना रहता है। तो मैं ना इस पूरे छत को अभी मास्टर केज बनाने वाला हूँ। ये देखें, यहाँ से लेकर ये सारा जो है ये मास्टर केज हो जाएगा, और इस मास्टर केज के अंदर जो है यहाँ पर डक्स का केज होगा, यहाँ पर चिकन्स का केज होगा, और बाकी भी केज मैं यहाँ पर बनाऊंगा फिर। तो दोस्तों मैं नोट कर रहा हूँ 3-4 दिन से कि हमारी वो वाली मुर्गी जो है ना वो दूसरी छत पर जाके वहाँ पर कुछ देर ठहरती है फिर वापस आ जाती है। तो मुझे शक है कि वहाँ पर इसने अंडा देना स्टार्ट कर दिया। तो चलो आप आके देखते हैं। तो दोस्तों मेरा शक जो है बिल्कुल सही निकला है। वहाँ पर मुझे एक अंडा जो है नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, ये पड़ी हुई है। ये देखें, तो केज के अंदर भी मैं चेक कर लेता हूँ, और जितने भी अंडे पड़े हुए हैं तो वो मैं उठा लेता हूँ। ये देखें, तीन अंडे जो हैं मुझे आज मिल गए हैं। तो आज ये अंडे मैं बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मैं नीचे घर लेके जाऊँगा। क्योंकि कल मैंने यहाँ पर रखे थे तो सारी मुर्गियों ने यहाँ पर जो है गिरा दिए थे अंडे, और खुद ही मतलब पी लिए थे। इसको मैंने 2 मिनट भी यहाँ पर रखे और मैं चला गया ना, तो ये सारी मुर्गियाँ आकर ये पी जाएंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं हीरा, बता दो सबको। अभी मास्टर केज के लिए जो है ना जाल लेकर आ रहे हैं। अभी जाएंगे हम मास्टर केज के लिए और जाल लेके आएंगे और उसको पूरा कवर करेंगे। हीरा ये वाला शॉप था ना? हाँ, सामने वाला शॉप जो है ना, यहाँ से अभी हम केज के लिए, मास्टर केज के लिए अभी जाल लेकर आएंगे। सो फाइनली अभी हम घर पहुंच गए, और यहाँ पर अभी आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे सारा जाल जो है लगाएंगे। अभी ये वाला साइड जो है हमारा सारा कवर हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग। और अभी ये वाला एंड ये वाला साइड जो है अभी रहते हैं। जो जाल था ना वो यहाँ तक आ गया है, बाकी जो है यहाँ कम पड़ गया है। तो अभी मुझे फिर से जाना होगा यहाँ, और उस जगह के लिए मुझे जाल लाना होगा। बाकी ये सब जो है ये हो गया है कवर। पहले दिन जब मैं रैबिट ले आया तो वो बिल्कुल इधर आया ही नहीं, क्योंकि वो मुर्गियों से डर रहा था और मुर्गियाँ रैबिट से डर रहे। लेकिन अभी ये देखें, अभी जो है ना मुर्गियों के साथ एक साथ ही कार है। तो इसको भी मैं साथ में छोड़ देता हूँ, ये भी कुछ काल है। ये ले, इन दोनों को मैं यहाँ पर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनको आदत पड़ जाए कि मुर्गियों के साथ भी खाने का इनको आदत पड़ जाए। फिर से चला गया, इसको यहाँ पर छोड़ दो हीरा, यहाँ पर इसको छोड़ दो, इसको ले आओ यहाँ पर छोड़ दो इसको, ताकि ये कुछ काल है, जल्दी करो। हाँ इधर ही छोड़ दो ताकि इनको आदत पड़ जाए। अब ये वाली मुर्गी जो है ये उधर उस छत पे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने जाल लगा दिया। तो अभी ये फ़ायदा है इनका कि सारी मुर्गियाँ जो है अभी इसी छत पे रहेंगे, उस छत पे नहीं जाएंगे। और काफ़ी सारे अंडे जो है ना यहाँ पर, ये साथ में जितने भी घर हैं ना तो यहाँ पर पड़े होंगे, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ।
वरना ये मुर्गियाँ जो है ये देखें अभी उस छत पे गई हैं, तो ये मुर्गियाँ एक ये एडवांटेज मुझे ये होगी कि ये मुर्गियाँ अपने केज में ही अंडे जो है वो देंगे, तो इसलिए इसका ये भी फ़ायदा मुझे निकल आया। तुम सुबह से यहाँ पर बैठी हो और सारा काम मैं कर रहा हूँ, कभी खरगोश कभी रैबिट हाथ में उठा लेते हो, कभी चिकन उठा लेते हो और काम कुछ भी नहीं कर दी। सारी की सफाई देखे मैंने की है। तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ की सारी सफाई भी मैंने की, इनको खाना भी मैंने डाला है और तुम यहाँ से इंजॉय कर रहे हो सुबह से। तो हमारा अभी रैबिट्स का भी सेटअप हो गया है, चिकन्स का भी हो गया है, लेकिन डक्स को अभी हमने अलग करना है, और अभी जो है गर्मी आने वाली है तो इसलिए इनके लिए यहाँ पर कुछ पानी का इंतज़ाम भी करना होगा, मतलब टब या ऐसा कुछ जो है ताकि ये उसमें गर्मियों में नहाए। अभी शाम होने वाली है, सर्दी भी हो गई है, तो इनको अभी केज के अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि इनको कोई बीमारी ना लग जाए या टेम्परेचर ना हो जाए। तो दोनों को हीरा ये भी इसको छोड़ दो, ठीक है, दोनों को छोड़ दो और इसका दरवाज़ा बंद करो, फिर हम चिकन्स को ही बंद कर लेते हैं। अभी डक्स और चिकन जैसे ही खाना खा लेते हैं तो इसको भी हम सीधा जो है केज में बंद करके इनको छोड़ देंगे फिर, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और सर्दी शुरू हो गई है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।